नमस्कार बेटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बेगूसराय के मंझौल से, जहां मंझौल में गुरुवार रात 35 वर्षीय युवक की हत्या कर गायब किए लाश को आज एसडीआरएफ टीम की मदद से बरामद कर लिया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने मंझौल थाना पर आकर बवाल काटा है। इस दौरान एक गृह रक्षक के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। हालांकि बाद में प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए लोगों को भगाना पड़ा। मौके पर मंझौल डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह, चेरिया बरियारपुर थानाध्यक्ष पल्लव कुमार, मंझौल थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने माहौल को संभाला है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय के मंझौल से, जहां गुरुवार की रात 35 वर्षीय युवक की हत्या कर गायब किए लाश को एसडीआरएफ की टीम की मदद से बरामद किया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने मंझौल थाना पर आकर बवाल काटा है। इस दौरान एक गृह रक्षक के घायल होने की भी सूचना मिली है। हालांकि बाद में प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए लोगों को भागना पड़ा है। मौके पर मंझौल डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह आदि के पहुंचने के बाद माहौल को संभाला गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय के मंझौल से, जहां गुरुवार की रात 35 वर्षीय युवक की हत्या कर गायब किए लाश को आज एसडीआरएफ की टीम की मदद से बरामद कर लिया गया है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से कुमार गौरव की रिपोर्ट।